वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। तो अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, ऊपर से आ चुका हूँ मैं नीचे और जपो अभी तक रेडी नहीं हुआ, हो चुका है लेट। अब भागा भागे कर रही है, नहीं बंदा जल्दी उठ जाए। मैं तो रोज जान के लेट हो जाता हूँ, तुम क्यों लेट होते हो? मेरे वहां पर कोई गेट बंद नहीं होता, तुम्हारे वहां पर गेट बंद कहाँ छुप रहा भी है? देखो अगर कोई आपको बोले ना तो आप भी टाइम से ही जाओगे। तेरे साथ मेरी बता देना कितने बजे उठा था। मैं 5 बजे का उठा हूँ, आप सोने दो। तो तुमने मेरी 5 बजे से नींद खराब करके रखी हुई है, शोर मचाप जाके अपना पढ़ना पढ़ना तो नीचे आया करो। ड्रामे करने की लोड नहीं है दिलाल। सवेरे सवेरे क्या सुबह उठा के रख दिया तुमने मेरे को? तुम नीचे बुलाया करो, उसको नीचे पढ़ाया करो। मम्मी ने देखो क्या किया, रात को पापा सोए, हम आइसक्रीम खा के पापा सोए रात को। उसके बाद मम्मी जैसे ही पापा सोने लगे मम्मी कह रहे जप्पू को उठा दो। मम्मी इसकी सोई भी थी और 12:30 के टाइम था, फिर कहती जप्पू को उठाओ 5 बज गए, जप्पू को उठाओ 5 बज गए। मैं क्या आज छुट्टी उसकी, सोने दो उसको। मैंने भी ऐसे बोल दिया। चले फिर जप्पू, इससे ये पता चलता है कि मम्मियां कितने स्ट्रेस में हैं। हाँ चलो ठीक है, चले जप्पू शुरू हो गए ना अभी तो आपने चलो इस बात पे इस मुद्दा क्रिएट किया था। हाँ चलो ठीक है, चलो टाइम हो चुका है, जा रहा हूँ मैं फटाफट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए। सो गाइस अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह 5 बजे के जप्पू और मैं उठे हुए हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना, कल रात को मैं जल्दी सो गई थी और क्योंकि आजकल इतनी थकावट हो रही है ना, बेड पे लेटते ही पता नहीं होता कि कौन सी दुनिया में हूँ, तो फटाफट से सो जाती हूँ। तो जप्पू और डुगू अभी नहीं सोए थे, दोनों आइसक्रीम खा रहे थे, तो एकदम से डुगू फोन देख रहे होंगे, फिर एकदम से डुगू ने फोन की लाइट बंद करी और फिर उसके बाद लाइट मेन वाली बंद करी, तो पता नहीं एकदम मैं नींद में डुगू कहते कि मैं बोल रही थी कि 5 बज गए जप्पू को उठा दो। एक टेंशन रहती है ना सुबह कि बहुत सारा सिलेबस और मुझे ऐसा लगता है कि रिवाइज करके जाता है, तो अच्छे से करा था पेपर, क्योंकि सुबह का जो रिवाइज किया हुआ था ना वो बंदा भूलता नहीं है, तो इसलिए मेरी आदत है। मैं खुद भी सुबह उठती थी और मैं अब उसको भी उठाती हूँ, तो अभी फिलहाल वो सुबह 5 बजे उठा था और उसने पूरी तैयारी करके दे दी मुझे। कहता हूँ मम्मा सुना सुना के मेरा मुंह इतना थक गया कि अब मैं बोलने के लायक नहीं बचा हूँ, तो ब्लॉग आप लोग शुरू कर लो। फिर भी चीखे मार मार के गया क्योंकि डुगू नहीं जीने देते ना हम लोगों को, जल्दी उठ जाते जल्दी कर लेते। मुझे पता मैंने कैसे फटाफट से रेडी किया उसको, क्योंकि सिलेबस सुनाते सुनाते उसको 7:35 हो गए थे और 25 मिनट्स में उसने तैयार भी होना था, दूध भी पीना था, पटका भी बांधना था और उसका लंच भी पैक करना था, उसकी यूनिफॉर्म भी प्रेस करनी थी। बस फटाफट से हैंड चलाया, उसको रेडी किया और अभी उसको भेज दिया है। होप सो वो पेपर अच्छा करके आए। उसका पेपर है SST का, तो नेक्स्ट पेपर उसका इंग्लिश का, उसकी ऑलमोस्ट उसको तैयारी है पूरी, ज्यादातर ग्रामर उसको पूरी आती है क्योंकि वो जसलीन के पास जा रहा था करने के लिए 2 दिन से पिछले, तो आज का पेपर अच्छा कर आए होप सो। अब फटाफट से मैंने उसके चक्कर में सफाई भी नहीं करी, अब मैं फटाफट से साफ सफाई करती हूँ क्योंकि 11:30 छुट्टी होती है तो मुझे भी जल्दी रेडी होना पड़ता है। तो चलो चलते हैं बिना डुगू से। मैंने मंगवाई है मूली और साथ में दूध भी खत्म हो रहा था, तो मेरे को मैंने कहा डुगू मूली लेके आओ, मूली के परांठे बनाएंगे, तो देखते हैं डुगू लेके आते हैं कि नहीं लेके आते। बोल के तो ड्रामा करके गए, मैं नहीं लाऊंगा, अब देखते हैं लेके आएंगे कि नहीं। A few hours later. So guys, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि डुगू मूली लेके नहीं आने वाले हैं, तो वही मेरे अकॉर्डिंगली डुगू बिल्कुल मूली नहीं लेके आए हैं और इतना मन था ना मूली का पराठा खाने का, तो डुगू नहीं लेके आए तो क्या ही कर सकते हैं। डुगू कहते हैं एक ही दुकान खुली है और जबकि बिल्कुल मंडी हमारे घर के पास है, चाहते तो वहां से भी ला सकते थे पर नहीं लाए, दूध लेके और दूसरा हाथ खाली घर वापिस आ गए। अब मुझे आगे कहते मेरे लिए सेवियां बना दे तू, तो अब डुगू के लिए रख दिए मैंने बनने सेवियां बन रही हैं और लंच का भी देखेंगे थोड़ी देर में, तो ठीक है। गुड मॉर्निंग डुगू। गुड मॉर्निंग डुगू। बने आज गोवा वाले बीच पे, बेबी आंखें मीट के। डुगू आज आपने गोवा वाली शर्ट क्यों पहनी है? वैसे दिल था मेरा। आप बोलो, निकाली तो मैंने थी, दिल आपका कहाँ से हो गया? कब पगड़ी के साथ मैच हो रही थी बस। डुगू बहुत कम पहनते ये वाली शर्ट, ले ली थी पर पहनते कम है, है ना? मूली नहीं लाए ना, कट्टी मूली यहाँ नहीं मिलती, रात को लिया करो सुबह। आज मंगल बाजार है ना, आज चलना रात को सब्जियां लेने, ओके? तो 11:30 बज चुके हैं, जप्पू को लाने का टाइम हो गया है, भैया की कॉल आने ही वाली है रिक्शे वाले भैया की, और मैं तैयार नहीं हुई हूँ, नहा लिया मैंने और मैंने तैयार होना भी नहीं है, मेरा मन नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। नाचो अच्छे से, नाचो अच्छे से, नाचो
अब नाश्ते नाश्ते भी बता दो पेपर कैसा हुआ है। भैया से डांट पड़ गई। पेपर कैसा हुआ ये तो बताओ। टफ था। वैसे जितनी जितनी ग्लो तुम्हारे जितने जितना तुम्हारा फेस ग्लो कर रहा होता ना जितना तुम्हारा फेस ग्लो कर रहा होता ना ऐसे लगता 50 में से 50 नंबर आएंगे और आते तुम्हारे 50 में से 5 ही है। मैंने कहा। आपने कहा? या मैंने कहा। कैसा हुआ पेपर? इसका तो टफ था तो इसका अच्छा नहीं हुआ। नहीं हुआ ना अच्छा? अच्छा तो हुआ लेकिन थोड़ा ठीक ठीक एवरेज पे हुआ। बहुत अच्छा नहीं। नॉट बैड बट नॉट वेरी गुड है ना। तेरा भी इस बार ऐसा ही हुआ। चल घर जाके देखते हैं तेरा। अच्छा तो अभी घर पे आ चुकी हूँ मैं जप्पू को लेके और जप्पू का थोड़ा सा पेपर गलत हुआ है 5-7 नंबर का। और मतलब मुझे ना एक चीज पे सिर्फ गुस्सा आता है कि एक मैप फिल करना आया है अगर तेरे को नहीं आ रहा किसी से पूछ ले। इतना भी ओबीडियंट क्या बनना हुआ कि अगर नहीं आ रहा तो बंदा थोड़ा बहुत तो किसी से पूछ ही लेता है ना। जो आता है वही करके आऊंगा मैं बस। पागल है जप्पू। और मेरे को और ज्यादा गुस्सा स्कूल वालों पे आता है कि अगर आप लोगों ने मैप पेपर के अंदर देना है तो आप एटलीस्ट उसको करवाओ तो सही। जब आप चीज करवाते नहीं उठा के उसको पेपर में दे तो किस चीज की प्रैक्टिस है? बच्चों को मैप फिल करना नहीं आ रहा। और मैंने भी ये दिमाग नहीं चलाया कि एक चैप्टर के अंदर अगर मैप है तो मैं इसको करवा दूं, क्या पता मैडम दे भी सकती है। वही काम हुआ तो अब मैप ये गलत कराया। आप देखो जो भी आएगा आएगा। ठीक है तो अभी हो गया जप्पू और मेरा लंच टाइम। जब से जप्पू को स्कूल से लेके आया तब से इसी गद्दे पे लेट लेट के हम दोनों ने टाइम स्पेंड किया अपना है ना जप्पू व्लॉग्स। ये पापा की जैसा पिल्लो रखने की आदत कब से पड़ गई तेरे को? पापा की जैसा बनी जा तू। और कड़ी मैंने बनाई नहीं है। जब हम रात को गए थे ना मेरी सिस्टर के घर पे कड़ी ना मैंने बनाई नहीं है। जब रात को हम मेरी सिस्टर के घर पे खीर खाने के लिए गए थे ना तो उसने मुझे कड़ी भी दी थी तो अब हम वही कड़ी चावल खाएंगे। और ये देखो मेरी मम्मी की कॉल आ गई। तो अभी ट्यूशन पढ़ा ली है मैंने और मैं फ्री भी हो गई हूँ। भाई बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा था आज तो। हिंदी का पेपर है और इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चों के लिए ना हिंदी करनी ना पहाड़ है सच में। हिंदी उनको इतनी आफत लगती है ना करनी। वो सोचते हैं हिंदी है पता नहीं क्या ही चीज़ है हमारे सामने। बहुत मुश्किल है सच्ची में। 8 बज चुके हैं। मैं जा रही हूँ अपने सिस्टर के घर पे क्योंकि जप्पू शाम से गया हुआ वहीं पे क्योंकि जप्पू का इंग्लिश का पेपर है और आज लास्ट डे जप्पू गया। बस आज अब से नहीं जाया करेगा क्योंकि मेरी थोड़ी सी ग्रामर वीक है। आप सबको मैंने बहुत फेयरली बताया हुआ है कि मुझे प्रॉब्लम होती है ग्रामर में इसलिए मैं जसलीन से करवा लेती हूँ जप्पू को। तो जप्पू गया हुआ वहाँ पे। अभी जप्पू की तैयारी हो चुकी होगी तो मैं जा रही हूँ। डुकू कह रहे थे कि नीचे ट्यूसडे मार्केट लगी हुई है ना तो डुकू कह रहे थे कि हरलीन तुम आ जाना क्योंकि फिर बहुत मुश्किल सा हो जाता है कि पहले मंगल बाजार से निकल के मैं तुम्हें लेने आऊँ फिर जप्पू को लेने जाएं तो तुम सीधा वहीं आ जाना मैं भी सीधा वहीं आ जाऊँगा देन उसके बाद हम लोग मार्केट चलेंगे सब्जियाँ वब्जियाँ लेके फिर हम लोग घर पर आ जाएंगे। तो अभी मैं घर से निकलने लगी हूँ और साथ ही साथ मैं कर रही हूँ मोना दीदी से बात। ये देखो फोन पे है तो मैं मोना दीदी से बात करते हुए सारे रास्ते में पहुंच जाऊंगी फटाफट से। तो बाय बाय मिलते थोड़ी देर में। हेलो डुगू। हेलो ग्रीन फ्लैग। क्या हाल चाल? कैसा गया पूरा दिन? गोवा गोवा वाले बीच पे एंजॉय करके आए हो? कैसे एंजॉय करा? बढ़िया करा। डुगू आ गए हैं पर जप्पू का सेवर थोड़ा सा रह गया है तो हम दोनों बैठ के रैपिडो से बुला लूं चल रहा है टाइम वाली मत वेस्ट करो तुम। ये देख लो गाइस अभी कल ही व्लॉग बनाया है कि बंदे को थोड़ा सा सरवाइव करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। सॉरी गलती से मुझसे सरवाइव निकला कि कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। पर देख लो आज ही देख लो मैं रैपिडो से बुला लूंगा डुगू तुम इसको चल लो हरली। मैंने सिर्फ किस लिए? मैंने फिल्म देखनी है बस इसलिए। कितनी देर लगती है तो सब्जी लेना इसे टाइम वेस्ट करना आधा घंटा तो मिला। और डुगू कम ड्रामे किया करो यार आप। तो परसों मैं लेके गया था यहाँ से सैंडविच तो आज दोबारा मेरा दिल करके सैंडविच खाने का बना रहे भैया यहाँ पे सैंडविच। और क्या लिया लिन? और क्या लिया हमने? और लिया हमने फ्रेंच फ्राइज सॉरी फ्रेंच फ्राइज आलू देख ले सीख ले। जब आज फिर हम ज्यादा सब्जियां नहीं लेके आए। सब्जी जो मार्केट में मिलेगी वो ना सब्जी को आग लगी पड़ी इतनी महंगी सब्जी और रखी है। और आज एक बात भी हो रही है पापा ने देखनी है मूवी तो पापा कह रहे फटाफट ले लो फटाफट ले लो जाके फटर मूवी देखेंगे। तो अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और डुगू आते शुरू हो जाते हैं। डुगू का काम है शुरू होना। चप्पल है अंदर। कौन सी लड़की कमाल कौन सी लड़की से मिलके आया है? चिपकली लड़की है। और कल फाइनली छुट्टी है और सोफा भी कल तो मेरी भी छुट्टी कल हमारा सोफा भी आ जाएगा।
ये जो इतने दिनों से, ये जो हमारा घर इतने दिनों से जलूस सा बना हुआ है ना, फाइनली ये कल सही हो जाएगा। तो मेरी भी छुट्टी है। साइडो पेपर की तैयारी होगी तेरे को अच्छे से। ये देखो गाइस, हम लेके आए हैं मूली। मैं लेके आई हूँ अभी, अभी भी डुगू लेके नहीं दे रहे थे। सुबह मैं बनाऊंगी मूली का पराठा। बैंगन लेके आए हैं, आलू बैंगन वाले बैंगन लेके आए हैं, बैंगन के भरते वाले। करेले लेके आई हूँ मैं, भिंडी, चार सब्जियाँ और आलू और प्याज, टमाटर पड़े थे। और यहाँ पर हम साथ में डुगू अपने लिए लेके आए हैं सैंडविचेस। टमाटर मत बन, गद्दा बिछा। तेरी मम्मी भी छाएंगी ना फिर आके पास। नहीं बहुत काम कर दिया गद्दा भी छा के। बहुत काम कर दिया। नहीं पढ़ के आए तो एहसान कर क्या है। बहुत मेहनत करता है, इसकी एक मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं अब हम डिनर के साथ। अब पढ़ेगा क्यों? अब नहीं पढ़ेगा। शकल देखो, पढ़न देना आते शकल बदल। मैं देखूंगा मूवी मूवी। क्या कह रहे हो टुकू, क्या कह रहे हो? टमाटर बड़े मजेदार, ओ टमाटर बड़े मजेदार। ये क्या कर रहा है, ज्यादा नहीं मस्ती चढ़ी हुई तेरे को है? तो गाइस आधी रात के बज चुके हैं 11 और टुकू को अभी डिनर करना है। तो मैं बना रही हूँ मलाई की सब्जी। तो आज मैं प्याज भी नहीं जले हैं, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही दिमाग से मैं मलाई की सब्जी बना रही हूँ। तो अभी मैंने प्याज कर लिया हल्के से पिंक और इसमें डाली है 2 हरी मिर्ची बारीक कट करके। इसके अंदर कुछ नहीं डालना, सिर्फ नमक डालना है। नमक पहले बिल्कुल थोड़ा सा डालना क्योंकि मलाई की सब्जी में एकदम से नमक ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो थोड़ा सा नमक डालना क्योंकि ऊपर से टेस्ट करके आप डाल सकते हो। और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च बस, और मलाई डाल के थोड़ा सा दूध डालना है। तो फिलहाल मैंने प्याज पिंक करे हैं, अभी मैं इसके अंदर डालूंगी टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, हल्दी और लाल मिर्च। तो अभी यहाँ पर मैंने प्याज के अंदर ऐड कर दिए मलाई और साथ ही साथ डाल दिया है दूध। उबाला दिलाने के बाद इसको थोड़ा सा डार्क करना है, तो मलाई की सब्जी बनकर हो जाएगी रेडी। सो गाइस अब यहाँ पर पापा का डिनर आ चुका है, रोटी साथ में मलाई की सब्जी। और अभी टाइम हो चुका है 11:20 और हम यहाँ पे देख रहे हैं मूवी जिसका चल रहा है अभी लास्ट पार्ट। सो गाइस मुझे तो आ रही है बहुत तेज की नींद और मैं ऊपर आ गई हूँ अपने रूम में सोने के लिए। डुगू और जप्पू को मैंने बहुत बार बोला चले चले, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। आ गए हैं, दोनों के चप्पलों की आवाज़ आ गई है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे मुझे, तो मैं भी आ गई चुपचाप। पता नहीं मूवी देखने बैठ जाते हैं फिर इधर से उधर नज़रें जाती ही नहीं है इन लोगों की। दोनों का एक ही काम है, दोनों का, दोनों एक जैसे हैं। तो पता नहीं कौन सी मूवी देखने में लगे हैं कल 2-4 दिन से, 11:11 पता नहीं कौन सी मूवी है। इन दोनों का दिमाग ख़राब हो चुका है मूवीज़ के चक्कर में। मैं तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दूँगा मूवीज के चक्कर में। अभी हमने कल देखनी है, थोड़ा सा रह गया उसके अंदर। देखा जप्पू क्या टूस के आयो दोनों? चॉकलेट। शर्म तो नहीं आई हो? नहीं क्यों आएगी शर्म, एंड करो वीडियो, एंड करो वीडियो। जप्पू ने तो खाना खाया ही नहीं, पता नहीं मासी के घर गया था, वहां से मैगी शैगी खा के आया था। मैगी गंद खा के आंदा है? गंज का आगे अंडा है, गंज का आगे अंडा है, गंदी होता है। अच्छा अच्छा, नहीं आपको गंद लगती है? गंद ही है वो, आपको गंद लगती है, पेट में जम जाएगी ना पता लग जाएगा। कितने नहीं रोज खाता वो? 4 दिन तो लगातार खा रहे हैं। कितने नहीं 4 दिन तो लगातार खा रहे हैं? कुछ लोग वहाँ कर रहे हैं। तो ये मना करे ना नहीं खानी, तो कोई जबरदस्ती इसके मुँह में डाल रहा है क्या? एक तो मासी प्यार करे, ऊपर से बातें सुने तुम लोगों की। क्यों भाई, तू भी पापा का ही साथ देता है, मुंह जो तेरे निकलते नहीं रहा ना कि मैंने मासी को मना नहीं किया। एक तो मासी बेचारी मैगी बना बना के खवाए, ऊपर ने दिया गल्ला सुने, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं, बाहर चल जाओ यहाँ से। मैगी गंद होता है। अच्छा ठीक है, सिर होता है मैगी गंद। जप्पू खुद मना कर देना जाके मैंने नहीं खानी, कोई नहीं गंद गुंद होता कुछ भी, खाने वाली चीज है, खाने को बनी है। क्या हो गया खा ली एक आधा दिन, तो आफत थोड़ी आ गई है कोई। अब क्यों आए हो पीछे दौड़े दौड़े अंदर? चलो चलो, सुन रहे हो ना, मैं अंदर जाके देखूं क्या बोल रही है। लेक्चर तो बहुत देते हो आप, देना पड़ता। अभी भी नहीं खत्म हुई मूवी? अभी भी नहीं
इतने विल्ले है ना डुगू, इनसे बड़ा विल्ला कोई नहीं है दुनिया में। मेरे साथ देख रहा है यार, मैं तो सोने लगी हूँ बिकॉज कल मेरे पास बहुत सारे काम है करने को। कल सुबह उठना है, पहले तो घर पे सोफे की फिटिंग होने वाली है, तुमने करनी है ना सोफे की, गंद तो मचेगा ही ना, मचेगा गंद तुम्हारा। फिर उसके बाद मुझे डुगू के साथ कल डेंटिस्ट के पास भी जाना है, वो लास्ट सिटिंग है। और फिर उसके बाद लंच बनाना है, फिर उसके बाद 2 बजे की मेरी ट्यूशन है, फिर हमने 7 बजे मूवी देखने जाना है। तो कल का दिन बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है। तो अभी बज चुके हैं पूरे के पूरे 12 और मैं सोने लगी हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। टाटा बाय बाय।